आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को जनपद के विकास कार्यों की क्रम और समीक्षा, लंबित परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए निर्देश। बुलरिया थाना क्षेत्र में बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले एक नामजद अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दूसरे वांछित अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने गठित की तीन टीमें, कहा जल्द होगी वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी। मंगलवार को हुई बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में हुए जलभराव से नागरिक हुए हलकान। नगर आयुक्त ने कहा अत्यधिक बारिश से हुआ जलभराव, निकासी के लिए लगाए गए पंप सेट। सदर तहसील क्षेत्र में अब तक 35 भू माफिया चिन्हित, एक पर की जा चुकी है बड़ी कार्यवाही। थाना वाइज भू माफियाओं को किया जा रहा है चिन्हित, एसडीएम सदर ने दी जानकारी। अब 11 बजे दिन से रात 11 बजे तक लगेगा चौपाल। हर बुधवार पुलिस आपके द्वार के तहत लगाए जाने वाले चौपाल के समय में एसएसपी ने किया बदलाव। राजपत्रित अधिकारी थानों पर पहुंचकर जनता की सुनेंगे फरियाद। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के पुण्यतिथि पर आयोजित संगोष्ठी के चौथे दिन वक्ताओं ने संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति विषय पर रखे अपने अपने विचार, कहा भारतवर्ष की प्रतिष्ठा संस्कृत और संस्कृति में है समाहित। रीड साहब धर्मशाला के पास रहने वाले विष्णु शंकर त्रिपाठी ने वीडियो वायरल कर राजगढ़ थाना प्रभारी पर मारपीट व मोबाइल रख लेने का लगाया गंभीर आरोप। एसएसपी ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान, एसपी साउथ को सौंपा जांच। एसपी साउथ ने कहा राजगढ़ थाना प्रभारी से लिखित में मांगा गया है स्पष्टीकरण, जाँच के बाद एसएसपी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में डायट सभागार में संपन्न हुई शैक्षिक उन्नयन अभिप्रेरण एवं नेतृत्व विकास हेतु शिक्षक संवाद कार्यक्रम। मंडलायुक्त ने कहा बच्चों के विकास में शिक्षकों का होता है बहुत बड़ा योगदान। गोला थाने के नशे में धुत दीवान और ग्रामीणों के विवाद के वायरल वीडियो का एसएसपी ने लिया संज्ञान, संबंधित दीवान को किया लाइन हाजिर, सीओ गोला को सौंपा जांच। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के दो दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की दी गई जानकारी। सीडीओ ने कहा प्रशिक्षण के माध्यम से ग्राम प्रधानों को शासन के विभिन्न योजनाओं से कराया गया अवगत, जिससे गांवों का हो सके समुचित विकास। महानगर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से ट्रैफिक विभाग ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। विभिन्न चौराहों को अतिक्रमण से किया मुक्त, एसपी ट्रैफिक ने कहा अतिक्रमण करने वालों पर की जाएगी विधिक कार्रवाई। एकला बंदे पर नगर निगम द्वारा गिराए जाने वाले कूड़ा स्थल का नगर आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों ने किया निरीक्षण। एंटी लार्वा के छिड़काव के साथ कराई साफ सफाई, कहा हर 15 दिनों पर होगी सफाई, जिससे संक्रामक और संचारी रोगों पर लग सके लगाम। जनपद में कुल 135 केंद्रों पर 44,594 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। पहली डोज लेने वालों में 30,961 और दूसरी डोज लेने वालों में 13,533 लोग रहे शामिल। एडिशनल सीएमओ ने कहा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कराएं वैक्सीनेशन, रहें सुरक्षित। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर पीस और जीएम ग्लोबल ग्रुप दुबई के चेयरमैन की तरफ से अरविंद विक्रम चौधरी ने महिला सर्वोदय मंडल गोरखपुर को प्रदान किया 10 लीटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। महिला सर्वोदय मंडल की अध्यक्ष ने जताया आभार। समाजवादी शिक्षक सभा के तत्वावधान में लोकतंत्र बचाने में शिक्षकों की भूमिका विषय पर मंडल स्तरीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, कहा लोकतंत्र को बचाने में शिक्षकों का है अहम योगदान। गोरखपुर में मंगलवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,410। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 10 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। मंगलवार को हुई बारिश से लोगों को मिला उमस और गर्मी से राहत, तो दिनचर्या भी हुई प्रभावित। आपदा विशेषज्ञ ने कहा सवा घंटे में रिकॉर्ड की गई 32 मिलीलीटर बारिश, अभी 2 से 3 दिनों तक है बारिश के आसार।
ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित श्री राम एवं श्री कृष्ण कथा का तात्विक विवेचन विषय पर कथा व्यास जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य महाराज विद्यास भास्कर ने व्यास पीठ से माँ यशोदा और श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का किया वर्णन, मंत्रमुग्ध हुए श्रोता। और जनपद की तीनों नदियां पहुंची खतरे के निशान से नीचे। राप्ती नदी खतरे के बिंदु से 53 सेंटीमीटर नीचे। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, अब तक 1,24,412 लोगों को दिया जा चुका है राशन किट, स्थिति है सामान्य।